मध्य प्रदेश में बिजली पर गरीबों को मिलने वाली सब्सिडी की कटौती को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, सरकार का खजाना खाली हो गया, अब बीजेपी गरीबों को लूटने की तैयारी कर रही है। कर्ज में डूब चुकी मध्य प्रदेश सरकार गरीबों पर डाकू की तरह डाका डालने की तैयारी में है। कांग्रेस सरकार ने 200 यूनिट तक अलग अलग क्लस्टर बनाकर आम जनता को राहत दी थी। कमलनाथ सरकार में जिनका 100 रुपए बिजली बिल आता था, आज उनका 3000 रुपए बिल आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान का खजाना खाली है, अब उनके पास गरीबों को लूटने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि कर्ज में इतना डूब चुकी है सरकार, मध्य प्रदेश को डुबा दिया। हमारी कमलनाथ जी की सरकार में 100 रुपया 100 यूनिट, 150 यूनिट का अलग क्लस्टर था, 200 यूनिट का अलग क्लस्टर था। ये तो सीधे डाकुओं की तरह डाका डाल रहा है शिवराज चौहान। इस 100 यूनिट से एक यूनिट भी ज्यादा हुई तो 8.40 रुपए यूनिट के भाव से पूरी यूनिट वो लगेगा, ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जनता आज भी याद करती कमलनाथ जी की 100 रुपया 100 यूनिट। शिवराज सिंह चौहान।